जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टाइम स्टोरी 24 में। दोस्तों आप सब कह रहे थे ये होना नहीं चाहिए था, ऐसा होना नहीं चाहिए था, पबजी बैन नहीं होना चाहिए। क्यों बैन हुआ? क्योंकि इतना मस्त गेम है जो हमारी जान, जो वीडियो, जो यूट्यूबर स्टोरी मतलब गेमर है उनके लिए तो पबजी एक देवता बन के आया था, जिसके कारण पबजी बंद हो गया दोस्तों, बैन हो गया। ये होना नहीं चाहिए था दोस्तों। तो आज आपके लिए एक न्यूज लाया, एक अच्छी सी न्यूज लाया आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला पबजी के एक लेटेस्ट न्यूज जो आपके लिए बहुत स्पेशल है, जो पबजी के फैन है। तो चलिए इस वीडियो को थोड़ा सा घुमा फिरा के, थोड़ा सा मजेदार बना के इस वीडियो को शुरू करते हैं। में अभी आपने सुना होगा इंडिया में से 118 एप्स डिलीट, मतलब 118 चाइनीस एप्स को बैन कर दिया इंडिया वालों ने, जिसमें से एक पबजी हो गया, पबजी मोबाइल लाइट हो गया दोस्तों। क्यों दोस्तों, इन्होंने इंडिया ने क्यों बैन किया? क्योंकि ये चाइनीस कंपनी थी, इसलिए आपने पबजी का देखा होगा दोस्तों। पबजी एक नॉर्थ कोरिया कंपनी चलाती है दोस्तों पबजी। आप देख सकते हैं पीसी और टैबलेट में जो भी पबजी चलता है, पबजी मोबाइल लाइट चलता है और नॉर्थ कोरिया के। लेकिन इसमें क्या, आप जो मोबाइल में खेलते हैं, मोबाइल में खेलने के लिए इन नॉर्थ कोरिया वालों ने इनसे मदद ली, टेंसेंट कंपनी, जो टेंसेंट कंपनी जो चाइनीज की कंपनी है, चाइना की कंपनी है, उनसे इन्होंने कैलिब्रेशन करके इनसे मदद ली और ये पबजी मोबाइल में चला सकते थे। अब इनका डिसाइड है कि दोस्तों, जो नॉर्थ कोरिया ने एक डिसाइड किया है कि हम टेंसेंट जो भी उनकी शेयर वेयर है, जो भी है, उनको हटा देंगे, पूरा 0% कर देंगे और सिर्फ हम खुद चलाएंगे अभी पबजी को। तो आप एक सोच सकते हैं दोस्तों कि आप हमको क्या मतलब है इंडिया को, कि हमारे देश से चाइना का पूरा मटेरियल ही खत्म हो जाए, चाइना हमारे देश से जो भी वसूल करता था, पैसे लेता था, वो सब बंद हो जाए उनका। तो इसलिए अभी इंडियन गवर्नमेंट ने 118 ऐप बैन हो गई थी ये पबजी को पकड़ के। तो नॉर्थ कोरिया की कंपनी ने एक डिसाइड किया और दोबारा सा फॉर्म भरा है और दोबारा सा हाई कोर्ट में गई है और उन्होंने कहा है कि हम टेंसेंट जो भी उनके साथ कैलिब्रेशन किया था उसको हटा देंगे और जिससे हमारा पबजी वापस आना चाहिए। तो आई होप दोस्तों कि पबजी दोबारा आ सकता है, कब आएगा वो नहीं पता दोस्तों, लेकिन पबजी आपके लिए खुशखबरी है कि पबजी दोबारा आ सकता है। जो यूट्यूबर से जिसका जिनका खाना पीने का टीम टाइम का खाना चलता था पबजी के थ्रू, पबजी के वजह से, क्योंकि पबजी की वीडियोस बनाते थे और डालते थे जिसके कारण उनका घर चलता था। तो आपके लिए खुशखबरी है दोस्तों कि पबजी वापस आएगा आएगा, लेकिन ये नहीं बता सकते कब तक आएगा, लेकिन आ जाएगा दोस्तों कि एक महीना लगेगा क्योंकि कोर्ट का चलता है, कोर्ट का कोई भी डिसीजन आने को टाइम लगता है दोस्तों। तो एक खुशखबरी मान के चले दोस्तों, क्योंकि टिकटॉक ने भी ऐसे ही किया था, टिकटॉक ने भी बोला था हम चाइना का हटा देंगे और दोबारा से चाइना को हम, उन्होंने सोचा कि चाइना माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया तो अमेरिका की कंपनी हो जाएगी दोस्तों, जिससे हमको कोई मतलब नहीं दोस्तों, से हमको चाइना का जो भी मटेरियल है उस सबको हटाना है इंडिया से सब चाइना के मटेरियल हटाना। तो धीरे धीरे 118 एप्स बैन हुई, फिर उससे पहले 59 ऐप बैन हुई चाइना के। तो ये कह रहे थे कि टिकटॉक अमेरिका मतलब बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा रहता तो टिकटॉक दोबारा चलता था दोस्तों, लेकिन ऐसा हुआ नहीं जिसके कारण। तो वैसे नॉर्थ कोरिया की कंपनी कह रही, जो पबजी की कंपनी कह रही कि हम टेंसेंट को पूरा हटा देंगे, चाइना की जो भी कंपनी है उसको हटा देंगे, जितने शेयर है उनको हटा देंगे और एक पबजी को एक सिर्फ हम बनाएंगे, इंडियन गेम बनाएंगे दोस्तों, जो नॉर्थ कोरिया की कंपनी बोल रही है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको समझाऊंगा कि फाइनली दोस्तों पबजी आ सकता है, कमिंग सून चल के रखिए कि पबजी वापस आ सकता है आपके मोबाइल में, आप खेल सकते। तो इसके साथ हम एक और लेटेस्ट न्यूज है दोस्तों कि 4G भी गेम आने वाला है, 4G की भी बहुत सारे पॉपुलेशन पोस्टर आ रहे, उसकी चर्चा चल रही। तो देखेंगे दोस्तों कि पबजी कब आएगा और 4G आएगा, 4G का क्या रहेगा, या 4G पबजी से टकरा पाएगा, या 4G टिक पाएगा पबजी के सामने, या पबजी आ पाएगा या नहीं, वो भी सवाल बना है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया और फाइनली पबजी आ सकता है कमिंग सून, ये नहीं बता सकते कब आ सकता है, अभी आ सकता है, एक महीने बाद आ सकता है, दो महीने बाद आ सकता है, ये कभी आ ही नहीं सकता। तो ऐसी टेक्नोलॉजी की वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन तक को दबा के रखें और अपने आसपास की सफाई रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।